हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। मैं आपका स्वागत है। टुडे वी आर स्टडी अबाउट बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड विथ आंसर मेडिसिनल केमिस्ट्री टू वन टू फिफ्थ यूनिट टुडे कवर करेंगे। वन टू फिफ्थ यूनिट टोटल। तो हम लोग फर्स्ट में आए देखते हैं, क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिसिनल केमिस्ट्री टू का। डिफाइन एंड क्लासिफिकेशन एंटी हिस्टेमिनिक एजेंट विथ एग्जाम्पल। बोला है कि डिफाइन करने के लिए और क्लासिफिकेशन करने के लिए एंटी हिस्टामिनिक एजेंट विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ है डिफाइन भी करना है एंटी हिस्टामिनिक एजेंट का और उसका एग्जाम्पल भी देना है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एंटी हिस्टामिनिक एजेंट होता है क्या। तो ये होता है, इट इज ए टाइप्स ऑफ मेडिकेशन और कंपाउंड डैट वर्क्स टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन द बॉडी। इन द बॉडी बोला है कि एंटी हिस्टामिनिक एजेंट वह एजेंट है, वह मेडिकेशन है और वह कंपाउंड है जो वर्क करता है कॉन्ट्रैक्ट मतलब दबाता है या उसको कम करता है इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन के इफेक्ट को क्या करता है, वह कम करता है हिस्टामिन। यह देख सकते हैं हिस्टामिन है, या बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर। या तो हिस्टामिन को क्या करता है, वह कॉन्ट्रैक्ट करता है इन द बॉडी, बॉडी के अंदर। हिस्टामिन क्या होता है, तो हम लोग हिस्टामिन देखते हैं। हिस्टामिन क्या होता है, इट इज ए नेचुरल केमिकल प्रोसीड बाय द इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू एलर्जी। या क्या करता है, रिस्पॉन्स रहता है एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है ये हिस्टामिन। हिस्टामिन इज ए नेचुरल केमिकल प्रोसीड बाय द इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू एलर्जी और इंजुरी, इंजुरी और इन्फ्लामेशन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस सिम्टम्स। बहुत सारे सिम्टम्स भी ये रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारे सिम्टम्स भी इससे होता है, जैसे इंक्लूडिंग हो गया इचिंग, इंक्लूडिंग में इचिंग आ गया, स्नीजिंग, रनिंग ऑफ नोज मतलब नाक में बहने लगता है, स्किन रेसेस, स्किन पे वो दाने पड़ने लगते हैं, स्किन पे रेसेस आने लगते हैं वो रेड रेड कलर का। उसके बाद एंटी हिस्टामिनिक, अब देखते हैं हम लोग एंटी हिस्टामिनिक एजेंट क्या करता है। एंटी हिस्टामिनिक एजेंट ब्लॉक और रिड्यूस द एक्शन ऑफ हिस्टामिन हेल्पिंग टू एलर्विट देख सकते हैं एलर्विट दीज सिम्टम्स एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम एलर्जीज एंड एलर्जिक रिएक्शन। एंटी हिस्टामिनिक एजेंट क्या करता है, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट जो है वह हिस्टामिन जो रिलीज होता है उसको ब्लॉक कर देता है। हिस्टामिन जो रिलीज ये होता है हिस्टामिन, उसको ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से एलर्जी होना बंद हो जाता है। ये हो गया एंटी हिस्टामिनिक एजेंट, हो गया वो काम करता है एंटी हिस्टामिनिक एजेंट, वो काम करता है ब्लॉक करता है हिस्टामिन के रिलीज को। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में आ जाता है, इसको H1 एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। हिस्टामिन जो है वह H1 रिसेप्टर होता है, H1 रिसेप्टर पे जाके ये बाइंड होता है, तो अगर बाइंड ना हो तो इसलिए उसके अपोजिट काम करेगा, तो एंटागोनिस्ट बोलते हैं उसके। तो H1 एंटागोनिस्ट हो गया, या एंटी एलर्जिक ड्रग भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एंटी एलर्जिक ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको फर्स्ट क्लास है हम लोग, या फर्स्ट जनरेशन भी बोल सकते हैं, या फर्स्ट क्लास भी बोल सकते हैं इसका। तो फर्स्ट क्लास हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्लास में, इसे फर्स्ट क्लास में क्या है। तो फर्स्ट क्लास इसमें पांच क्लास में बांटा गया हुआ, छह क्लास में इसको, छह क्लास में बांटा गया हुआ है। जो फर्स्ट हो गया इसमें इथाइलिन डाइमीन डेरिवेटिव्स, फर्स्ट क्लास इसका हो गया। सेकेंड क्लास हो गया एमिनो अल्काइल ईथर एनालॉग, थर्ड क्लास हो गया साइक्लिक बेसिक चेन एनालॉग, फोर्थ क्लास हो गया मोनो अमीनो अल्काइल एनालॉग, उसके बाद से इसमें हो गया फिफ्थ क्लास हो गया फेनोथायाजीन एनालॉग्स, उसके बाद सिक्स्थ क्लास हो गया मिसलेनियस, सिक्स्थ क्लास में मिसलेनियस ड्रग्स आ जाता है। हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्लास में इथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव्स में कौन कौन सा ड्रग आ जाते हैं। तो इथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव्स में आ जाता है मेपायरामीन, जिसको पैरिलामीन भी बोलते हैं, उसके बाद से हो जाता है ट्रिप्लेनामीन, उसके बाद आ जाता है मेथोपैरिलीन, उसके बाद से थोंजाइलामीन। इसमें टोटल चार ड्रग है, मेपायरामीन जिसको पैरिलामीन भी बोलते हैं, सेकेंड में हो जाएगा ट्रिप्लेनामीन, थर्ड में हो जाएगा मेथोपैरिलीन और फोर्थ में हो जाएगा थोंजाइलामीन। उसके बाद से हम लोग देखते हैं अमीनो अल्काइल ईथर एनालॉग, अमीनो अल्काइल ईथर एनालॉग में कौन कौन सा ड्रग आ जाता है। डाई फिनाइल हाइड्रामीन फर्स्ट ड्रग हो जाएगा डाई फिनाइल हाइड्रामीन, सेकेंड ड्रग हो जाएगा ब्रोमो डाई फिनाइल हाइड्रामीन, थर्ड ड्रग हो जाएगा
डॉक्साइल अमीन, और फोर्थ हो जाएगा डाइमेन हाइड्रिनेट, डाइमेन हाइड्रिनेट। उसके बाद हम लोग देखते हैं साइक्लिक बेसिक चेन एनालॉग है। साइक्लिक बेसिक चेन एनालॉग में चार ड्रग है, साइक्लिजीन, मे साइक्लिजीन, ब्यू साइक्लिजीन, क्लोर साइक्लिजीन। इनमें सब में सिर्फ साइक्लिजीन लगा देना है, साइक्लिजीन है, उसके बाद मे साइक्लिजीन, ब्यू साइक्लिजीन, क्लोर साइक्लिजीन। उसके बाद से आ जाता है फोर्थ, फोर्थ हम लोग देखते हैं फोर्थ क्लास में मोनो अमीनो अल्काइल एनालॉग। मोनो अमीनो अल्काइल एनालॉग में क्या हो जाएगा, फिनाइरामीन, क्लोर फिनाइरामीन, ब्रोम फिनाइरामीन, ट्राइप्रोलिडीन। इसमें भी चार ड्रग हैं, तो इसमें सीधा फिनाइरामीन, उसके बाद से क्लोर, अगर क्लोरीन लग जाए तो क्लोर फिनाइरामीन, ब्रोमीन लग जाए तो ब्रोम फिनाइरामीन, और इसको ट्राइप्रोलिडीन, ट्राइप्रोलिडीन हो गया। उसके बाद से हम लोग देखते हैं इसमें फेनोथायाजीन एनालॉग। फेनोथायाजीन एनालॉग में ये तीन ड्रग है, तीन ड्रग है, देख सकते हैं यहाँ पे ये तीन ड्रग है, प्रोमेथाजीन, ट्राईमेप्राजीन और मेथडाइलाजीन। तीन ड्रग है, कौन कौन सा है, प्रोमेथाजीन, ट्राईमेप्राजीन और मेथडाइलाजीन। उसके बाद से मिसलेनियस क्लास में आ जाता है। मिसलेनियस क्लास में है फिनिंडामीन, सिप्रोहेप्टाडीन, क्लेमास्टीन, एजाटिडीन, डाइफेन पायरालीन, क्रोमोलीन, सोडियम। ये ड्रग है, छह ड्रग है इसमें मिसलेनियस क्लास में, छह ड्रग है। उसके बाद से सेकेंड जनरेशन भी है इसमें, तो हम लोग सेकेंड जनरेशन देखते हैं। तो सेकेंड जनरेशन में ये तीन ड्रग है, स्टीमिजोल, लोराटिडीन और सिट्राजीन। ये न्यू जनरेशन, सेकेंड जनरेशन अभी जो चल रहा है ये ड्रग वो है, इसमें स्टीमिजोल, लोराटिडीन और सिट्राजीन, ये ड्रग हो गया। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद से मैं इसका स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन तो हम लोग देख लिए हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर भी इसका देखेंगे सभी का। तो हम लोग आज कवर करेंगे इसका मेपायरामीन और ट्रिप्लेनामीन और मेथोपैरालीन और थंजाइलामीन, इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे आज। तो दोस्तों, यहाँ आ गए हम लोग जनरल स्ट्रक्चर ऑफ H1 एंटागोनिस्ट। हम लोग H1 एंटागोनिस्ट की बात करते हैं कि हम लोग को अगर ब्लॉक करना है H1 रिसेप्टर पे जाके ड्रग बाइंड होगा, तो पहले हम लोग उसकी स्ट्रक्चर उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो किस तरीका का होता है H1 रिसेप्टर। तो हम लोग H1 एंटागोनिस्ट जनरल स्ट्रक्चर उसका देखते हैं किस तरीका से होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है एराइल ग्रुप है। एराइल कोई भी, एराइल ग्रुप का मतलब हो गया कि कोई भी बेंजीन कंपाउंड, बेंजीन से जो साइक्लिक बेसिक कंपाउंड हो, साइक्लिक कंपाउंड, उसको एराइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ये R1 जो है, R1 R2 जो है अल्काइल ग्रुप है। कोई भी इथीन, मिथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन जो साइक्लिक चेन है जो कार्बन लॉन्ग चेन है, जो साइक्लिक नहीं है, तो उसको जो अटैच रहता है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R से, जिसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर ये ज्वाइंट रहेगा, यहाँ पर आगे अटैच रहेगा, तो R1 R2 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। उसके बाद से इसमें दो कंपाउंड है, CH2 दो जुड़ा हुआ है। इसमें एक अमीन ग्रुप है, ये अमीन ग्रुप है, ये X जो है कोई भी ग्रुप आके अटैच हो सकता है। अगर बात हम लोग करें, हम लोग देखे थे यहाँ पे अमीनो अल्काइल ईथर एनालॉग। अगर ईथर एनालॉग में आ जाएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन आके लग जाएगा, तो वो ईथर एनालॉग हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग अगर साइक्लिक बेसिक चेन की बात करते हैं, तो वहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड आके लग जाएगा। उसके बाद से हम लोग देखेंगे अगर इसकी फेनोथायाजिन की बात करेंगे, तो वहाँ पर फेनोथायाजिन रिंग आ जाएगा। तो एक्स जो है वो चेंज होता रहेगा, नेचर ऑफ ड्रग। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं इथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव्स, तो इथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव्स में हम लोग देखते हैं तो जनरल स्ट्रक्चर क्या, इसमें क्या चेंज हो गया, नाइट्रोजन कंपाउंड, जो अमीन ग्रुप है जो आके अटैच हो गया यहाँ पे, तो इसलिए इथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव्स हो गया ये उसका। तो क्या चेंज हो गया, एक्स। ये नेचर पर चेंज होता रहता है, अलग अलग जिस ग्रुप का, जिस क्लास का ड्रग है उस हिसाब से वो चेंज होता रहता है, एक्स, इसलिए एक्स लिखा गया वहाँ पे। समझ गए होंगे आप दोस्त। उसके बाद से हम लोग देखते हैं इथाइलिन डायमीन डेरिवेटिव्स, इसका जनरल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अमीन ग्रुप आके अटैच हो गया और यहाँ पर भी अमीन ग्रुप आके अटैच हो गया। उसके बाद से ये हो गया, और यहाँ पर कोई भी कार्बन अल्काइल चेन आके लग सकता है, और यहाँ पे जो है इस जगह एराइल ग्रुप आप लोग को मैं बता रहा हूँ, एराइल ग्रुप। हाँ, तो एराइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो एराइल ग्रुप कोई भी है बंजीन जैसे हो गया, अगर इससे अगर कोई भी पोजीशन से अटैच है, इस पोजीशन से अटैच है, कुछ भी अटैच है, तो इसको क्या ग्रुप का नाम क्या बोलेंगे, इसको एराइल ग्रुप बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एराइल ग्रुप। उसके बाद से ये हो गया पायरिमिडीन,
पाइरीडीन रिंग हो गया, या अगर किसी अटैच किसी पोजीशन से अटैच है, चाहे इस पोजीशन हो या इस पोजीशन हो उससे अटैच हो, तो इसको एराइल ग्रुप बोल सकते हैं। ये हो गया पाइरीमिडीन, पाइरीमिडीन रिंग हो गया। तो कोई भी अगर बेंजीन जो साइक्लिक चेन हो अगर वो उससे अगर उससे अटैच है वो ग्रुप अटैच है तो उसको एराइल ग्रुप बोलेंगे। उसके बाद से हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसी का एक ड्रग है मेपायरामीन। कौन सा ड्रग है? मेपायरामीन है, देख सकते हैं मेपायरामीन। कौन ड्रग है? मेपायरामीन। हम लोग आईयूपीएसी नेम भी देखेंगे, आईयूपीएसी नेम, ठीक है। तो मेपायरामीन में क्या होता है, यहाँ इस जगह दो अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप आके अटैच हो गया। ये कौन सा ग्रुप है? सी एस थ्री मिथाइल ग्रुप आके अटैच है। और इस पोजीशन पे कौन सा है, इसको अगर एन मान लेते हैं तो इसको एन डी एस मान लेंगे। तो इस पोजीशन पे आके अभी दोस्तों बताए थे पाइरीडीन रिंग, ये अगर इस पोजीशन पे अगर यहाँ पे सिक्स मेंबर रिंग है और इस पे नाइट्रोजन ग्रुप अगर अटैच है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है और वो सिक्स मेंबर है, हो गया। यहाँ देख लीजिए नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या बोल देंगे? पाइरीडीन रिंग, इसको पाइरीडीन रिंग बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये बेंजीन है, ये अल्काइल ग्रुप आके अटैच है, मिथाइल एक अल्काइल तो मिथाइल ग्रुप है सी एच है। और उसके बाद से ये बेंजीन है, बेंजीन अगर किसी चीज़ से अटैच रहता है उसको फेनाइल भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी बेंजीन रिंग है। उसके बाद से ये ऑक्सीजन अटैच है उसके बाद से सी एच थ्री अटैच है। तो हम लोग नंबरिंग करेंगे इसका। ये स्ट्रक्चर हो गया किसका? मेपायरामीन का स्ट्रक्चर ये हो गया। उसके बाद हम लोग मेपायरामीन का स्ट्रक्चर इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो एन पोजीशन पे है, क्या है एन पोजीशन के, अगर नंबरिंग यहाँ से कर लेते हैं 1 मिथॉक्सी 4 मिथॉक्सी बेंजाइल 4 मिथॉक्सी, इसको अगर नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 4 अगर यहाँ पे तो 1 4 5 यहाँ से नंबरिंग कर से 5 6 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को यहीं चीज़ तक ज़रूरत है तो यहाँ तक भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो फोर पोजीशन पे क्या अटैच है? फोर पोजीशन के इस पे मिथाइल ग्रुप है। इस मिथाइल मतलब जो अगर ये मेन चेन लिखते हैं तो मिथेन लिखेंगे, और कहीं अगर कोई बीच में लिखते हैं किसी भी इसमें बीच में आ जाता है तो उसको मिथाइल लिखते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो मिथ है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, एक ऑक्सीजन के साथ अगर मिथेन ग्रुप रहेगा सी एस थ्री, अगर देख लीजिए यहाँ पे सी एस थ्री ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन लगा सी एस थ्री, तो इसको क्या बोलेंगे? मिथ ऑक्सी ऑक्सीजन जो है इसको ऑक्सी ग्रुप बोलते हैं, इसको मिथ बोलते हैं, एक कार्बन है तो मिथ बोलते हैं, तो इसको ये पूरा हो गया क्या? मिथ ऑक्सी। और किस पोजीशन से अटैच है? ये बेंजीन के फोर पोजीशन से अटैच है। कौन सा ग्रुप? मिथॉक्सी ग्रुप बेंजीन के फोर पोजीशन से अटैच है, इसलिए इसका क्या नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी एन पोजीशन पे, एन जो है ये एन पोजीशन पे अटैच है फोर, इसको अगर एन मान लेते हैं तो इसको एन डैश मान लेंगे। तो एन पोजीशन पे है फोर मिथॉक्सी बेंजाइल। अब बेंजाइल हम लोग अगर यहाँ इसको इस कार्बन को अगर अटैच कर लेते हैं तो बेंजाइल बोलेंगे, अगर अटैच नहीं करेंगे तो फिनाइल भी बोल सकते हैं इसको। इसको अगर ये इसको अगर इसके साथ ही लेंगे तो बेंजाइल बोलेंगे, अगर नहीं लेंगे तो फिनाइल भी बोल सकते हैं। तो हम लोग इसको अटैच कर लेते हैं सी एच को, तो क्या बोलेंगे? फोर मिथॉक्सी ये पूरा ग्रुप क्या हो गया? ये पूरा ग्रुप बेंजाइल हो गया, और फोर पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? मिथॉक्सी, इसलिए फोर मिथॉक्सी बेंजाइल। इसका ये यहाँ तक एक काम हो गया, इसका नोमेनक्लेचर हो गया। उसके बाद से हम लोग देखते हैं एन डैश, यहाँ पे एन डैश है, यहाँ से मान लेते हैं इसको 1 2, इसको भी नंबरिंग कर लेंगे 1 2, तो 2 पोजीशन पे है। तो अगर इसे ले लेते हैं, इसको अगर नंबरिंग नहीं भी करेंगे तो चलेगा, मेन इस या इस मेन ग्रुप इसका नाइट्रोजन ले लेते हैं, अमीन ग्रुप। तो एन एन दो बार मिथाइल है, तो एन एन डाई मिथाइल ठीक हो गया, डाई मिथाइल। उसके बाद से एन पोजीशन पे क्या है? पाइरीडीन रिंग प्रेजेंट है यहाँ पे, इसको पहली बात मैंने बताया था पाइरीडीन रिंग है। तो एन एन डाई मिथाइल हो गया। उसके बाद से एन पोजीशन पे पाइरीडीन रिंग प्रेजेंट है, और टू इल किस पोजीशन से अटैच है? अगर जिस पोजीशन से भी अटैच रहता है, अगर अटैच रहता है यहाँ पे थ्री पोजीशन से, तो थ्री इल लगा देंगे, वाई एल लगा देते हैं, तो उस पोजीशन ये मतलब इंडिकेट करता है कि इस पोजीशन से ये अटैच है। तो पहले नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग इसी तरह से करते हैं कि जो मेन ग्रुप हो एटॉमिक नंबर के हिसाब से नंबरिंग करते हैं, कि जिसका जो ज़्यादा एटॉमिक नंबर हो उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इन पोजीशन से यहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो इस टू पोजीशन से अटैच है, इसलिए टू इल आ जाएगा, टू इल इथेन। क्या चीज इसको क्या लेते हैं? इथेन, टू इल इथेन।
टू इल इथेन लेते हैं, उसके बाद से टू इल इथेन हो गया, उसके बाद से वन टू डाई अमीन इथेन हो गया, अगर एक कार्बन आता तो मीथेन हो जाता है, यहाँ पर टू कार्बन इसलिए मीथ इज, तो इथेन हो गया ये इथेन, और वन वन ये हो गया वन पोजीशन से ये नाइट्रोजन है, तो वन और टू, वन टू डाई अमीन, डाई अमीन दो को इसको अमीन ग्रुप है इसलिए डाई हो गया, मोनो रहता एक रहता तो मोनो होता है, और दो है इसलिए डाई अमीन, इसलिए इसका डाई अमीन हो जाएगा। दोस्तों नोमन क्लेचर इसलिए इतना लेट लग रहा है, और आप लोग को अच्छा तरीके से समझ भी आता होगा, तो समझ गए कि किस तरीके से नोमन क्लेचर किया जाता है, इसका नंबरिंग किया जाता है इसी हिसाब से, और उसको सबसे पहले इसका जो सब्स्टिट्यूशन जो है ना उसको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा सब्स्टिट्यूट जो बुरा हुआ है। पहले सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे पेरेंट चेन किसको सेलेक्ट करना है, तो हम लोग पेरेंट चेन देख लेंगे, उसके बाद से पेरेंट चेन देख लेंगे, तो उसके बाद से अटैचमेंट कौन कौन सा ग्रुप अटैच हुआ हुआ है उसको पहले ये कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोग पेरेंट चेन इसको अगर मान लिए पेरेंट चेन तो एन पे है, तो एन पोजीशन पे ये जुड़ा हुआ है ये वाला, तो पहले हम लोग इसको पहले लिख लिए, इसको लिख लिए, लिखने के बाद से इसको नंबरिंग कर लिए, उसके बाद से फिर देखते हैं ये अटैच है तो इसको भी लिख लिए, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये अटैच है तो उसको भी लिख के उसके बाद से पेरेंट चेन का नाम लिख देना, बस हो गया।